हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा किचन। आज हम बनाने वाले हैं मालपुआ, और वो भी आटे से। बहुत ही जूसी और डिलिशियस होते हैं ये आटे के मालपुए। आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर कितना बढ़िया निकल कर आया है। बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप्स में हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर में 1/4 कप सूजी को पीस लेंगे। यहाँ पे हमें महीन वाली सूजी यूज़ करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से उसको पीस लें। सूजी को पीसने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ही हम 3/4 कप गेहूं का आटा डाल देंगे, और साथ ही यहाँ पे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1.5 कप दूध डाल देंगे। अब दूध डालने के बाद यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास मलाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ मिक्सर बना करके तैयार कर लेंगे। मिक्सर को हम एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब इन द मीन टाइम यहाँ पे हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3/4 कप पानी लिया है कढ़ाई में, और साथ ही 1/2 कप शुगर ऐड कर दिया है। इसे हम कम से कम 7 से 8 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे। इसके बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी चाशनी एकदम चिपचिपी सी हो चुकी है, मतलब कि हमारी चाशनी तैयार है। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह की एक गोल कलछुल लेंगे, जिससे कि हम अपने मालपुए बनाएंगे। यहाँ पे एक पैन में चौड़े मुँह का पैन हम लेंगे, और उसमें हम घी को गरम कर लेंगे, और इस तरीके से कलछुल से एक एक कलछुल उठा करके हम मालपुए का बैटर ऐसे घी में पोर करेंगे, और वो अपने आप ऐसे स्प्रेड हो जाएगी। एक साथ हम 2 से 3 मालपुए बना सकते हैं, और इन मालपुओं को हम अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर में ना चेंज हो जाएं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। एक्सेस घी को स्क्वीज करके हम मालपुए को बाहर निकाल लेंगे। इन सारे मालपुओं को हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है। अब इसी तरह से हम सारे मालपुओं को घी में फ्राई करके निकाल लेंगे। आप ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सारे मालपुए फ्राई हो करके बिल्कुल रेडी चाशनी के अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पे चाशनी को जो हमने बना के रखा था उसे हल्का गर्म कर लेंगे, और एक एक करके अपने मालपुओं को इसमें 2 मिनट के लिए डिप करके रख देंगे। 2 मिनट से आप इसके ज़्यादा डिप ना करें, वरना ये बहुत मीठी हो जाती है। ये डिप करने के बाद इसका एक्सेस जो चाशनी है उसको हम इसे स्क्वीज आउट कर लेंगे और मालपुओं को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने जूसी और डिलिशियस मालपुए बन करके रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम अपने सारे मालपुओं को चाशनी में डिप करके निकाल के एक दूसरी प्लेट में सजा देंगे। अब इसके बाद मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता को ग्रेट कर लिया था, और इन मालपुओं के ऊपर इस तरीके से गार्निश कर दिया था। आप चाहें तो इनको मावा से भी गार्निश कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे परफेक्ट जूसी एंड डिलिशियस मालपुए बन करके बिल्कुल रेडी हैं। आप इन मालपुओं को एंजॉय करें, और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।